वेरी गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुमित रिंगवाल और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट। जो लुब्रिकेंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली जो लुब्रिकेंट आपके होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड लुब्रिकेंट, लिक्विड लुब्रिकेंट एंड सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। अब जो सॉलिड लुब्रिकेंट जो होते हैं वो भी तीन तरीके से होते हैं। पहला ग्रेफाइट हो गया है, मोलिब्डियम डाइसल्फाइड दूसरा हो गया है और तीसरा हो गया है सिंथेटिक लुब्रिकेंट हो गया है। अब जो लिक्विड लुब्रिकेंट मेरे होते हैं वो तीन तरीके से होते हैं, एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल, दूसरा मिनरल ऑयल और तीसरा ब्लेंडेड ऑयल। और जो तीसरी कैटेगरी हम पढ़ेंगे वो है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट की, वो सिर्फ उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड लुब्रिकेंट की। तो सबसे पहली बात आती है कि सॉलिड लुब्रिकेंट, अब सिंपल सी बात होगी कि अगर आपका लुब्रिकेंट सॉलिड स्टेट में है तो वो सॉलिड लुब्रिकेंट कहलाएगा। लेकिन सॉलिड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कब किया जाएगा, when the film of a liquid lubricant can not be used because of working condition and maintenance of machine, जब मशीन की वर्किंग कंडीशन और मेंटेनेंस कुछ इस तरीके से हो कि उसमें लिक्विड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल न किया जा सके, उस समय हम सॉलिड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर दूसरी चीज़ पॉश, अगर आपका लुब्रिकेंट और जो मटेरियल है अगर उसमें कंटेमिनेशन की पॉसिबिलिटी हो तो उस सिचुएशन में भी हम सॉलिड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर टेम्परेचर, मशीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और लोड जो मशीन पे है वो भी बहुत ज़्यादा हो तो उस सिचुएशन में भी हम सॉलिड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो कब सॉलिड आपका लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है, किन किन कंडीशन पे, वो मैंने आपको बताया। अब अगली चीज़ जो आती है कि अब ये जो सॉलिड लुब्रिकेंट है वो कितने टाइप के हैं। अब सॉलिड लुब्रिकेंट मेरे तीन तरीके से हम डिस्कस करेंगे, ग्रेफाइट, मोलिब्डियम डाइसल्फाइड और सिंथेटिक लुब्रिकेंट। तो सबसे पहले ग्रेफाइट पे आते हैं। ग्रेफाइट हमारा कॉमनली यूज लुब्रिकेंट होता है, इसकी सोफ जैसी टच होती है, नॉन इनफ्लेमेबल है, ऐसा नहीं है कि वो आग को पकड़ दे, एंड नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर बिलो 375 डिग्री सेल्सियस, 375 डिग्री सेल्सियस तक भी ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब बेसिकली ग्रेफाइट क्या होता है कि कार्बन की दो लेयर होती हैं, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, और वहाँ पे वीक बॉन्ड आपके होते हैं। अगर ग्रेफाइट को, अब क्योंकि ग्रेफाइट कैसा है, सॉलिड है, ग्रेफाइट को किसी ऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस के साथ मिलाते हैं उसकी स्टिकी फिल्म बनाने के लिए, कि ताकि वो मेटल्स के सरफेस पे आसानी से अटैच हो सके। मतलब क्या हो गया, ग्रेफाइट को किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ मिक्स किया जा सकता जाता है ताकि उसकी क्या बन सके, स्टिकी फिल्म बन सके। ठीक है, अब ग्रेफाइट को हम, अगर ग्रेफाइट को ऑयल के साथ मिला दिया जाए तो उसे ऑयल डेक कहते हैं। ऑयल डेक का इस्तेमाल बेसिकली इंटरनल कम्बस्टन ऑफ इंजन में किया, ऑयल डेक का इस्तेमाल इंजन के लिए होता है। और अगर ग्रेफाइट के साथ आप वाटर मिला रहे हो तो उस सिचुएशन को हम एक्वा डेक कहते हैं। और एक्वा डेक का इस्तेमाल फूड इंडस्ट्री में किया जाता है, क्योंकि फूड इंडस्ट्री में ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसीलिए वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्वा डेक का इस्तेमाल करते हैं। अब जो दूसरा था, मोलिब्डियम डाइसल्फाइड। मोलिब्डियम डाइसल्फाइड क्या है, वो एयर में स्टेबल है 400 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि ग्रेफाइट कितने तक था आपका, 375 डिग्री सेल्सियस तक। अब जो आपका मोलिब्डियम डाइसल्फाइड होता है वो सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मोलिब्डियम एटम आपका दो सल्फर एटम के बीच में रहता है और उसमें वीक बॉन्ड होते हैं। अब आता है मेरा सिंथेटिक लुब्रिकेंट। अब जो इस तरीके के जो लुब्रिकेंट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब टेम्परेचर रेंज आपकी -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक हो जाए प्लस में। जैसे जेट इंजन है, जेट इंजन में जो फ्यूल है वो -40 डिग्री सेल्सियस पे भी लुब्रिकेंट जो है वो काम कर सकता है, तो वहाँ पे मैं ग्रेफाइट या मोलिब्डियम डाइसल्फाइड का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उस समय मुझे वहाँ क्या इस्तेमाल करना होगा, सिंथेटिक लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना होगा। अब पेट्रोलियम बेस्ड जो भी मेरे लुब्रिकेंट हैं, अगर मैं उनके साथ कोई एडिटिव मिला दूं, मतलब कोई और चीज़ मिला दूं,
तो वो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे केमिकली रिएक्टिव एटमोसफियर आदि में भी काम कर सकते हैं, उनको हम सिंथेटिक लुब्रिकेंट कहते हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है लिक्विड लुब्रिकेंट की। अगर मेरा लुब्रिकेंट लिक्विड फेज में हो तो उसे लिक्विड लुब्रिकेंट कहते हैं। तो उसमें जो पहली कैटेगरी है वो है एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल। ठीक है भाई, एनिमल और वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल तब किया जाता था, बहुत पुराने टाइम पे किया जाता था। पहली चीज़ तो ये है कि एनिमल ऑयल या वेजिटेबल ऑयल में ऑयलनेस बहुत ज़्यादा होती है और उसकी विस्कोसिटी भी ठीक ठाक होती है। जे अब क्या है कि आजकल इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑयल जनरली जैसे ही एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और मेरे पास एक प्रॉपर्टी ऑफ गुड लुब्रिकेंट क्या थी कि वो ऑक्सीडाइज ना हो। इसीलिए एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल को अब जनरली एज ए लुब्रिकेंट इस्तेमाल नहीं करते। अब आता अगली कैटेगरी लिक्विड लुब्रिकेंट में मिनरल एंड पेट्रोलियम ऑयल, जो मेरा क्रूड ऑयल होता है। ठीक है, अगर मैं उसका डिस्टिलेशन करता हूँ तो मुझे पेट्रोलियम ऑयल मिलता है, और पेट्रोलियम ऑयल को बहुत बढ़िया लुब्रिकेंट माना जाता है, क्योंकि एक तो उनका कॉस्ट कम है, अवेलेबल इन लार्ज स्केल, और बहुत ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं। लेकिन उनकी जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई हाई विस्कोसिटी इंडेक्स होना चाहिए आपका, लेकिन उसकी विस्कोसिटी जो है एनिमल या वेजिटेबल ऑयल से क्या होती है, कम होती है। अब अगला आता है ब्लेंडेड ऑयल। पेट्रोलियम ऑयल के साथ अगर कुछ एडिटिव मिला दिया जाए तो उसे ब्लेंडेड ऑयल कहते हैं, और ब्लेंडेड ऑयल कहते हैं। अब आखिरी चीज़ आती है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। उसमें जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी आती है वो आती है ग्रीस। ग्रीस का इस्तेमाल, ग्रीस कैसे बनाते हैं, ग्रीस आर मेड बाई सोफिकेशन ऑफ ग्रीसेस आर मेड बाई सोफिकेशन ऑफ फैट विथ लाइम एंड कास्टिक सोडा। जब मैं क्या करता हूँ कि सोफिफिकेशन करता हूँ फैट का और किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, तो तब मुझे क्या मिलते हैं, ग्रीस मिलते हैं। ग्रीस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ग्रीस का बढ़िया फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, एक चीज़ ऑयल से भी ज़्यादा बढ़िया, और इट कैन सपोर्ट हैवियर लोड एट लो स्पीड, इवन लो स्पीड ऑल्सो। ये बहुत ज़्यादा हैवियर लोड को भी क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, इसीलिए ये बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बाकी लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।